बीजेपी ने बहुत लाभ दिया है। कैसे? अरे बीजेपी तो सरकार तो बैठी मुख्यमंत्री। अब चलो चलो झगड़ा, एक मिनट एक मिनट जी जी, चलो आप झगड़ो बात है, कोई बात नहीं, कार्यकर्ता रोष नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आरपीडी न्यूज की टीम ने बांसवाड़ा जिले की कोसलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से की मुलाकात। गांव के लोगों ने बताई खुलकर गांव की समस्याएं। आइए जानते हैं कि उनके विचारों से किस उम्मीदवार ने क्षेत्र की जनता के बीच अपना विश्वास जताया है और विश्वास कायम किया है और किसको मौका देगी जनता। आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही चुनावों की जो सरगर्मियां हैं तेजी से उभर रही है और साथ ही राजनीतिक गलियारों का जो एक सिस्टम है वो उठाव कर रहा है। वर्तमान में हम कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरोना गांव के अंदर पहुंचे हैं। यहां स्थिति जानते हैं कि वास्तव में यहां के लोगों की मानसिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। यहां वास्तव में वर्तमान की स्थिति बताऊं तो यहां वर्तमान में रमीला खड़िया निर्दलीय विधायक पिछली बार चुनी गई थी, वर्तमान में भी है। अब आगे इनकी क्या मंशा है, यहाँ किस प्रकार से काम हुआ है, जानते धरातल की रिपोर्ट। सर नमस्कार। अरे बोलिए, आप क्या नाम आपका? बुंडिया। बुंडिया जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी अब की बार? बीजेपी की। बीजेपी की? तो आप वर्तमान में जैसे काम चल रहे हैं, अब की बार 5 साल मैडम रहे हैं यहाँ पे, आपके निर्दलीय विधायक थी रमीला जी खड़िया, तो उन्होंने आपको कुछ लाभ दिलवाया, आपके क्षेत्र में आई, कभी हालचाल पूछा? नहीं दिलवाया नहीं लाभ तो जी। लाइट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ कोई भी व्यवस्था नहीं, नहीं है। 5 साल के अंदर आप कभी उनके आगे समस्या वगैरह लेके गए? लेके गए थे जी। तो कुछ भी नहीं हुआ, बात ही नहीं बता रहे कोई, ये हो रहा नहीं हो रहा, बस ठीक है कर देंगे, खाली आश्वासन। हाँ आश्वासन जी। इसके साथ ही हमारे साथ और भी बुजुर्ग और साथी मौजूद हैं। बहू जी, क्या नाम आपका? जीवन। जीवन जी, आपके यहाँ स्थानीय विधायक है वर्तमान रमीला जी खड़िया, आप किसान हो? हाँ किसान। तो आपको कुछ यहाँ लाभ मिला सरकार की योजनाओं का? कुछ नहीं मिला। कोई सरकार तो कह रही हम मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल मिला आपको? नहीं मिला। तो फूड पैकेट तो मिला होगा? नहीं मिला। जो सरकार की ये फूड पैकेट योजना है जिसमें मिर्ची वगैरह, ये जो सोयाबीन के तेल वगैरह किट आती है, वो मिली आपको? नहीं मिला। तो क्या मिला आपको? अब कुछ नहीं मिला, क्या मिला। तो आपके हिसाब से अब की बार की सरकार किसको वोट मिलने चाहिए यहाँ? बीजेपी। बीजेपी? और बीजेपी के अंदर किसको यहाँ ज़्यादातर जनता पसंद करती है? बीजेपी में तो बहुत से नाम है। बीजेपी, बीजेपी ना पसंद करेगी, बीजेपी को पसंद करती है। साथ ही हमारे साथ और भी मौजूद है। बाबू जी, क्या नाम आपका? रामा। रामलाल जी, ये बताओ कि आप किसान हैं, तो किसानों के हितों के लिए सरकार ने कुछ किया यहाँ पे? कहीं नहीं किया, मानते आप मार के बैठो, कहीं काम नहीं बता रही रहा है। कुछ भी पेंशन वगैरह बढ़ाई नहीं आपकी? नहीं, पेंशन तो मिल ही रहा है, पेंशन मिलती है टाइम टू टाइम। इसके अलावा जैसे सरकार कह रही कि हम मोबाइल वगैरह दे रहे हैं, कोई नहीं देता मोबाइल वोबाइल। साथ ही बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, हॉस्पिटल वगैरह में, ऐसा कोई लाभ मिला आपको? नहीं मिला। तो साथियों, इसके अलावा जैसे रोजगार गारंटी वगैरह में काम किया, उसमें भी कोई भी पैसा ही नहीं मिला है जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत से गांव के जो लोग हैं किसान हैं उनसे हम यहाँ धरातल की रिपोर्ट जानना चाहेंगे। इसके साथ और भी साथी हैं। सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हलिया। हलिया भाई, आप गांव के यहाँ एक युवा श्रेणी में आते हैं, वर्तमान में अगर यहाँ की स्थिति जानते हैं, अपने कुशलगढ़ की छोड़ो, अपने सरोना की, तो आपको यहाँ वर्तमान सरकार से कोई लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला साहब, बहुत लाभ लेके जाते पर कोई लाभ नहीं मिलता है, सरकार यहाँ आती नहीं और हम की सुनती नहीं। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तो कहते हैं हमने बिजली फ्री कर दी, कोई फ्री नहीं है साहब, 4-4 दिन 5-5 दिन हो गया कोई फ्री यहाँ, हमको लाइट के लिए बहुत परेशानी हो रहा तो होगी ना फ्री, लाइट नहीं आएगी तो फिर फ्री कोई फ्री नहीं साहब, कोई फ्री अगर लाइट ही नहीं आएगी अलिया भाई तो फिर तो फ्री होगी ना, कहीं फ्री नहीं है साहब। तो सरकार तो कह रही है हम किसानों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लेके, सुविधा नहीं है सर यहाँ की जगह, कहीं सरकार से जो मांगता है कुछ भी नहीं मिलता है जी जी, ये बात है। तो स्थानीय विधायक को आप कभी अवगत नहीं करवाते? नहीं करवाए। करवाया? नहीं करवाया। तो करवाना चाहिए ना, करवाना चाहिए, वो तो हमारी सुनते नहीं तो क्या करवाएंगे। आप कभी गए उनके पास? गए
दो बार तीन बार गए तो हमको कोई सुनवाई नहीं करते, तो क्या मतलब? जी जी, तो आपके हिसाब से अब की बार सरकार किसकी बननी चाहिए राजस्थान में? बीजेपी की बनेगी साहब, बीजेपी ने बहुत लाभ दिया है। कैसे? अरे बीजेपी तो सरकार तो बैठी मुख्यमंत्री। चलो चलो झगड़ा, एक मिनट एक मिनट, जी जी चलो आप झगड़ो बात है, कोई बात नहीं, कार्यकर्ता रोष नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार? चलो कुछ बाबूजी के पास आते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? टीटा। टीटा जी, अभी आपसे थोड़ा आपका मन मुटाव हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी अपने झगड़ा नहीं करना है इस राजनीति के चक्कर में। वास्तव में यहाँ धरातल की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? वो लाइट का स्थिति है, बिजली तो लाइट टाइम टू टाइम आ रही है। अरे कहाँ लाइट आ रही है टाइम टाइम पर? लाइट ना जाओ, वो तो सरकार का कोई नहीं जानो, को बीजेपी नहीं जानो, जनता नहीं जानो, कोई नहीं भी जी, हमको लाइट चाहिए, ये जाना हम तो, और लाइट नहीं आए सरकार को भी की रहेंगे हम तो, ये जानते हैं। अभी ना तो मैडम को नाम पढ़ते, ना अशोक को नाम पढ़ते, ना मोदी जी को नाम पढ़ो, सरकार माथे दबाव डाले, सरकार कोई भी आए लेकिन वास्तव में यहाँ पे काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, नहीं तो हो कहाँ फिर बीजो भाई, ये बात है। तो आप किसान हैं तो किसानों के लिए कोई भी तो योजना आई होगी? योजना योजना तो ना छोटी मोटी चलती रहती है, बना हंगला भयान थोड़ी कुआ वगैरह तो मिला होगा। हाँ कूड़ा तो आलियो था, आलियो से वो तो कूड़ा डाल दी दो जी, कूड़ा तो आलियो था, आलियो से करो। आपके हिसाब से अब की बार सरकार किसकी आएगी? अरे वो तो जो बेते ये जनता जानते, हम नहीं जानते जनता में आपने तो है। अरे नहीं नहीं, वो एक जना नाम कह देता है जनता को ना है। मोदी सरकार के, मोदी सरकार 2000 रुपए दे वो खाते में आ रहे आपके? मेरे को एक रुपया नहीं, अभी चेक कर लो, 2000 रुपया को मतलब कहीं नहीं है, वो तो कहने का आते है कि नहीं आते, वे बात है। फूड पैकेट तो आए होंगे आपके पास, सरकार ने दिए होंगे? कौन सा? ये सरकार ने अभी जो फ्री में जो राशन किट दे रहे हैं वो पैकेट वाला भी? हाँ अलखे अलखे हफ्ता में आज लेवा जा रहा है, आज चालू हुआ है। अच्छा अच्छा, आज आत्मा तक मिले नहीं आपको? आज नहीं मिला, आज आल रहे है। और देखा मोबाइल वगैरह? मोबाइल अवल तो नहीं है, आप लोग जेब का पैसा मोबाइल जी जी मोबाइल अपने जेब का। साथ ही हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि वर्तमान में सरोना के जो जनप्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर सर, पूरा नाम आपका? लक्ष्मण सिंह डिंडोर, ग्राम पंचायत सरोना, सरपंच जनप्रतिनिधि। अब की बार अगर यहाँ बात करें यहाँ अपने सरोना पंचायत की, क्योंकि आप समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं, तो धरातल पे किस प्रकार का विकास हुआ है? सर विकास के बारे में तो मोदी सरकार ने जो केंद्र की यो स्कीम भेजी है वो भी अभी तक यहाँ तक आने में अधूरी है, उसके पीछे सरकार का हाथ। जैसे 2000 रुपये जो जनता को मिल रहे किसानों को, उसमें भी अशोक गहलोत ने जो लिस्ट दिल्ली भेजी थी उसमें कई किसानों के नाम काट दिए गए। उसमें तो कोई बहुत सारा ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें गहलोत साहब क्या कर सकते हैं? नहीं उसके किस्त रोक रखी है जी जी, कहीं ना कहीं नाम गड़बड़ी है जी जी। दूसरा ये है कि जो हमारे पंचायत में जो फंड आते हैं जी जी, वो जो राज्य सरकार को देने चाहिए वो अभी तक कोई किस्त नहीं भेजी जी जी। दूसरी जो भी मोदी सरकार से आ रही है वो हमें मिल रही है जी जी। तीसरी बात ये है कि जो नरेगा का जो इस जो पेमेंट है जी जी, सामग्री के मद का जी जी, वो भी 2 महीने से राज्य सरकार को दे दिया है जी, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उसका भुगतान नहीं किया जी जी। जुलाई महीने की लास्ट हफ्ता जो नरेगा का पेमेंट है जी जी, वो भी लोगों को आज तक नहीं मिला जी जी। दूसरा विषय आता है कुशलगढ़ का, हम कुशलगढ़ विधानसभा में रहते हैं, यहाँ जो सरकार की स्कीम है आज तक मेरे ग्राम पंचायत के अंदर विधायक के मत से एक हैंडपंप तक नहीं लगा जी जी, एक हैंडपंप तक। मैं कई बार उनको लिखित में अवगत कराया, एक दो बार। क्या कारण है? कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? राजनीतिक कारण तो यही है जी। दूसरा मुझे भी ये लग रहा है कि ठीक है मुझे नहीं मिला, मैं विपक्षी सरपंच हूँ, लेकिन पड़ोस में कांग्रेस का सरपंच है पाटन में, उसको भी कुछ भी नहीं। सरपंच की तो कोई पार्टी नहीं होती है ना? नहीं होती, लेकिन देखा जाता है कि कौन से पार्टी का विलियम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाना सरकार की कोई भी योजना आता है, सरकार सरपंच का तो यही दायित्व है। बिल्कुल रहता, लेकिन यहाँ तक जो भी विकास है वो सब जहाँ का जहाँ रुका हुआ। आप देख लीजिए शिक्षा के बारे में, यहाँ जो स्कूल में मास्टरों की कमी है शिक्षा में, सड़कों में देख लीजिए इतने गड्ढे कर रखे, इतने गड्ढे कर रखे हैं कि उसको भरपाई 5 साल और लग जाए तो नहीं होगा पूरा। और जहां डामरीकरण है वहां डामरीकरण होना चाहिए, लेकिन वहां कच्ची मिट्टी डालकर खड्डे भरे जा रहे हैं हमारे कुशलगढ़ के रोडों पे।
और आज तक एक भी रोड सेंक्शन नहीं है हमारे इस पंचायत के अंदर जी। रोडों के बारे में हो गया, अब पेयजल के बारे में देखो तो हैंडपंप जो जितने स्वीकृत हुए हैं कुशलगढ़ से उधर मयोड़ पट्टी में, हमारे घाटा पट्टी में कहा जाओ तो एक भी हैंडपंप नहीं है। 5 साल निकल गए जी, एक भी हैंडपंप नहीं लगा। अब तो सरकार की जल जीवन मिशन योजना आ रही, प्रत्येक वो चलेगी तब, चल रही है वो भी। हमारी पिछले वसुंधरा राज्य में हमारे भीमा भाई का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा था जो इस स्कीम को लाए थे, वो भी पिछले चुनाव में ही जब काम शुरू हुआ था पाइप ला रहे थे तो यहाँ के नेताओं ने वो गाड़ियाँ वापस रवाना कर दी। वजह ये कि इनका विकास रोका जाए, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी जी। इस वजह से वो गाड़ियां वापस रवाना की। कांग्रेस सरकार तो अब की बार एक तरफा वादा करेगी कि हमारी एक तरफा सरकार बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों के हितों के लिए चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा योजना, फूड पैकेट, किसानों को बिजली, आम लोगों को बिजली फ्री, तो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं, मोबाइल वितरण जैसी स्कीम, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? उनको समझ में आना चाहिए कि मोबाइल आज के महिला के पेट के अंदर बच्चा है जी, तो महिला यूं सोचेगी कि भले मेरे बेटी पैदा हो या बेटा जी जी, इससे एडवांस वो अपने मोबाइल के लिए व्यवस्था कर लेती है एक महिला जी। तो अशोक गहलोत को यहाँ दूसरा मोबाइल देने की कहाँ जरूरत पड़ी? वो तो ठीक है, आज के युग में महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है ना। नहीं, वो अपने परिवार के लिए कर रहा, तो अशोक गहलोत को यहाँ के योजना उतारनी चाहिए धरातल पे, जैसे लाइट फ्री है जी, ये तो सभी योजनाएं, ये कागजों में ऐसी कौन सी बाकी योजना रहेगी आपके हिसाब में उतार रही है? आपके हिसाब से कौन सी योजना वंचित रहेगी बाकी यहाँ पे? ना तो योजनाएं आ चुकी है, ना तो रोड, आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाइए साहब, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी जी, 2 किलोमीटर आगे जी। ये जो मेरा पाटन से रोड है जी जी, ये पिछले वसुंधरा जी मेरे जोगनिया माता आई थी जी, तो ये रातों रात रोड बना जो पाटन से आप मेरे घर तक आए हैं जी जी। इसके अलावा एक तगारी मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार आती है तो विकास होता है? बिल्कुल विकास होता है, वो विकास ही नहीं होते, वो सनातन धर्म के साथ रहती है। अच्छा, अगर आपने कहा कि हम बीजेपी के हिसाब से, अगर मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं या यहाँ के स्थानीय जैसे उसी हिसाब से मिलते हैं? यहाँ पहली बात तो मोदी का जी, दूसरा जहाँ हम मोदी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो मोदी से अलग नहीं जी, उनकी दिशा निर्देश अनुसार ही काम होता है। मोदी जादूगर है तो गहलोत भी कम नहीं है। हाँ, वो तो जादूगर है, हमने देखा है साहब जी, उसने कौन कौन से खेल खेले, 10 दिन का वादा करवाया, किससे वादा करवाया, राहुल जी से, फिर आपस में जब सरकार बन गई तो सचिन और अशोक गहलोत होटलों में लड़ाते रहे, लड़ाने के बाद होटलों में गए, फिर आपस में होटलों से बाहर निकले, तब तक लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आज लड़ाई खत्म नहीं हुई जी जी। हम इतने बेवकूफ नहीं है जो घर में दो पति नहीं, नहीं, एक मिनट इधर आओ, आपको इसमें क्या है, आपकी दिक्कत के यहाँ जो सरकार है वो बिल्कुल विफल गई है जी जी, और यहाँ की जनता भी नुखर गई है जी जी, और आने वाला समय, आज हम तो यूँ सरकार यूँ कह रही 2 महीने बाद चुनाव, हम तो यूँ कह रहे आज ही क्यों नहीं हो जाए जी जी जी, बीजेपी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, और यहाँ से हम विधायक भीमा भाई को निकाल के ही जयपुर भेजेंगे जी। तो यह थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सरोना की, यहाँ के गांव के लोगों से बात की, हालांकि थोड़े गर्मी सर्मी हो रही, छोटी मोटी बातें चलती रहती है क्योंकि बात का निचोड़ तब तक नहीं निकले, धरातल की स्थिति को हमने आपसे अवगत करवाया। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।